हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल, और इस भूगोल में आज हम लोग खंड चेंज कर रहे हैं, और इस खंड में खंड खा भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, ये द्वितीय इकाई के बीच में दूसरी इकाई हम लोग शुरू करेंगे। पहली इकाई हम लोगों की खत्म हो गई थी, और इसमें हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसमें से अध्याय एक है, और ये जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि और संगठन से संबंधित है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आज पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, और जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, ग्रोथ है, और इसके बाद कंपोजिशन है। तो शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक की, और बात करते हैं सबसे पहले जनसंख्या की कि ये जनसंख्या क्या है, जनसंख्या को हम किस रूप में संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे जैसे किसी घर में या परिवार में जो भी सदस्य होते हैं, तो उन सदस्यों के बिना उस परिवार का, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो भी देश है, राष्ट्र है, उसमें स्त्री पुरुषों और बच्चों के योग से ही वो राष्ट्र बनता है, और बिना इनके उस राष्ट्र का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। और राष्ट्र का जो भी भौगोलिक क्षेत्र हुआ करता है या सरकार का जो भी ढांचा होता है, वो बिना जनसंख्या के अस्तित्वहीन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक तरह से राष्ट्र क्या होता है, लोगों का सम्मिश्रण हुआ करता है, और इसमें से जो जनसंख्या होती है ये राष्ट्र की वास्तविक क्या होती है, धरोहर होती है, राष्ट्र की वास्तविक धरोहर हुआ करती है। और प्राकृतिक संसाधन के होते हुए भी, प्राकृतिक संसाधन किसी देश में ज्यादा भी होंगे तब भी उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा यदि उस देश में जनसंख्या नहीं है। इसीलिए हम इस जनसंख्या को मानव संपदा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मानव संपदा कह सकते हैं, और इसी को हम मानव संसाधन के नाम से भी जानते हैं। और इस मानव संसाधन की इतनी बड़ी वैल्यू है कि जिस देश में जितना ज्यादा मानव संसाधन होगा, वह देश उतनी ही तेजी से विकास करेगा। यदि हम अपने भारत की जनगणना को देखते हैं, तो ये 2011 में कितनी जनगणना है इसकी, 121.08 करोड़, और ये बढ़कर के यदि हम वर्तमान समय में देखते हैं लगभग 2019 और 20 में, तो ये आपकी हो जाती है 136.51 करोड़ हो गई। कितनी तेजी से अपने यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, और भारत चीन के बाद दूसरा ऐसा सबसे बड़ा राष्ट्र है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या बसी हुई है और घना बसा हुआ है। और भारत की जो जनसंख्या का आकार है, ये अब स्थिति को पार कर गया है। किस स्थिति को? आदर्श जनसंख्या की जो एक स्थिति होती है कि जितने भी संसाधन होते हैं और जितने भी उसके अनुरूप वो जनसंख्या होती है, उस आदर्श स्थिति से पार कर गया है, और जो भी हमारे पास संसाधन है उन पे अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, और राष्ट्र में सामाजिक आर्थिक समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो जो भी जनसंख्या है, ये राष्ट्र की संपदा होती है और शक्ति और उत्पादन का स्रोत होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानव संपदा कहते हैं। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि जनसंख्या क्या होती है और जनसंख्या कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में कुछ अन्य चीजों की बात करेंगे। और सभी लोग अपने नोट्स क्लियर करा लीजिएगा। आज हम लोगों ने खंड खा और भूगोल में, और ये आगे का ये प्रथम चैप्टर है, एक खंड हम लोगों का पूरा हो गया है। इसके जितने भी नोट्स हैं आप क्लियर कर लीजिएगा, और जो भी मानचित्र दिए गए हैं मानचित्र जरूर उसमें बनेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले टर्न में एक